फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बात करने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि आप जो पूरा एडीओ का सिलेबस है, जो पांचों भाग है, इसकी कंप्लीट सीडी या कंप्लीट पैकेज जो है हमारे visualcard.com से प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाइए visualcard.com पर। 25 तारीख से ये सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। जो भी इसकी प्री बुकिंग करता है उसे इसके लिए कंसेशन दिया जाएगा, कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप प्री बुकिंग करते हैं तो आप ये पूरा वीडियो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, पूरा पैकेज रहेगा। उसमें कुछ कुछ जो छूटे हुए टॉपिक हैं जो आप ये यूट्यूब के माध्यम से नहीं देख पाएंगे, आपको पूरा visualcard.com पर मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाइए और हमारा पूरा पैकेज वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जा रही है 25 तारीख से ही, तो 25 तारीख से आप टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं visualcard.com के माध्यम से। तो याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए कि visualcard.com में जाना है और वहां से आपको ये सारी चीजें परचेस करने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGPSC E-ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में। समास, समास होता क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संयोग। जब दो शब्दों का मेल होता है और उससे एक पद बनाया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है संक्षिप्तीकरण करके उन शब्दों का, तो उसे कहा जाता है समास। समास जो है वो समस्त पदों का निक्षेप होता है। जितने भी पद यूज किए गए हैं उन्हें शॉर्ट करके, उन्हें छोटा करके, उन्हें संक्षिप्त करके एक नए शब्द को बनाया जाना ही समास कहलाता है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ शक्ति के अनुसार, मैंने किसी शब्द में यूज किया शक्ति के अनुसार, लेकिन उसी शब्द को जब मैं संक्षेप में कहूंगा तो मैं उसे यथाशक्ति बुला सकता हूँ। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लंबा है उधर जिसका, अर्थात मैं गणेश भगवान को ये कहना चाहता हूँ कि लंबा है उधर जिसका, उसे मैं शॉर्ट में यदि बोलना चाहूँ तो लंबोदर कह सकता हूँ। जो ये एक बड़ा सेंटेंस है, इसमें से कुछ शब्द जो संयोजक शब्द हो सकते हैं, क्रिया विभक्ति हो सकती है, इनका लोप करके, जब इन विभक्ति संयोजक शब्दों का लोप कर दे, उन्हें हटा दे, तो जो शब्द बनेगा, नया शब्द जो हमें एक बिना रूप परिवर्तित हुए एक शब्द मिलेगा, उसका अर्थ भिन्न नहीं होगा, उससे वही अर्थ होगा। जबकि संधि में जब हम देखते हैं तो संधि होती है तो उसमें एक परिवर्तन आता है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, उन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो समान होगा। ठीक है, तो लंबा है उधर जिसका, इसका भी अर्थ वही है जो लंबोदर का है। ठीक है, तो मैं उसके लिए केवल एक संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करने वाला हूँ, तो उस शब्द को क्या कहा जाएगा? समास। जब इस संक्षिप्त शब्द का हम विग्रह करते हैं, इन्हें अलग करते हैं, वापस इनमें संयोजक शब्द जोड़कर या विभक्तियों को जोड़कर, तब इसे समास विग्रह कहा जाता है। देखिए, किसी भी समास में दो पद हो सकते हैं, ठीक है, दो या अधिक पद भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो पद होंगे। जो दोनों पद रहेंगे इसे मिलाकर, जैसे यहाँ पे कुछ समास के उदाहरण मैंने लिखे हुए, जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार, यहाँ पर यथा और विधि, विधि और अनुसार जो के है ये संयोजक शब्द है। ठीक है, के एक संयोजक शब्द है, जबकि विधि और अनुसार एक समासिक शब्द है। इन विधि और अनुसार को यदि मैं जोड़ू तो यथा विधि बनता है, और इस यथा विधि को जब मैं पृथक करता हूँ एक संयोजक शब्द के प्रयोग से तो ये विधि के अनुसार हो जाता है, विधि के अनुसार, तो एक संयोजक शब्द लग गया। इन शब्दों में जो विधि था ये एक पद हुआ, और अनुसार, विधि के अनुसार, तो विधि एक शब्द और ये अनुसार एक शब्द। जब हम इसको पूरा एक बार में पढ़ेंगे तो ये समस्त पद कहलाता है। यदि केवल विधि बोलूं तो ये प्रथम पद होगा, यदि अनुसार बोलूं तो ये पश्च पद होगा, बाद का पद होगा। तो इस प्रकार दो पद हो सकते हैं, अग्रपद या प्रथम पद, द्वितीय पद या फिर पश्च पद, इनको मिलाकर समस्त पद कहा जाता है, और इन्हीं का संयोग किया जाता है और इन्हीं का विग्रह किया जाता है, इन्हीं को अलग किया जाता है। ये तो थी समास की परिभाषा, कि दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द जो बनेगा जिसका अर्थ भिन्न नहीं होगा, वही अर्थ होगा जो शब्द का है, तो इसे क्या कहा जाएगा? समास कहा जाएगा। समास मुख्य रूप से छह प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के हम देख सकते हैं इन समासों को। वैसे तो चार ही प्रकार बताए गए हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डील करें तो इसका छह प्रकार हो सकता है। इसके छह प्रकार कौन कौन से यहाँ पर मैंने लिख दिए हुए हैं। पहला है अव्ययीभाव समास,
ठीक है, अव्ययी भाव समास, इन सब का हम क्रम से डिटेल भी देखते जाएंगे कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचान सकते हैं आप अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से ये छह प्रकार होते हैं, छह भेद होते हैं समास के, जिनमें इन्हें बांटा जा सकता है। इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं और हम चालू करते हैं अव्ययी भाव समास से। पहले हम उन समासों का अध्ययन करेंगे जो कि अध्ययन में सरल है, उसके बाद हम उन समासों को देखेंगे जो थोड़े से कठिन है या जिनका स्वरूप जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है क्योंकि उनके प्रकार बहुत सारे हैं। तो हम पहले सरल वालों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? अव्ययी भाव समास, मैंने कहा कि दो, कोई भी समास, जो भी समास होगा उसमें दो पद होंगे। किसी भी समास में हम दो पद देख सकते हैं मुख्य रूप से। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होगा, पहला पद जिस पे डिपेंड होगा, ठीक है, पहले पद पे ही सारा कुछ डिपेंड होगा, तो वो समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरी परिभाषा इसकी ये हो सकती है कि जिस समास का पहला पद अव्यय, क्योंकि ये अव्ययी है इसलिए पहला पद यदि अव्यय होगा तो वो समास क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये तो परिभाषा थी, अब इसे समझेंगे कैसे। तो यहां पर उदाहरण है आपके लिए, यथा विधि, विधि के अनुसार, जैसा विधि होगा वैसा। तो ये अव्यय है पहला पद विधि, ठीक है, किसके अनुसार होगा? तो विधि के अनुसार होगा। तो जब पहला पद अव्यय हो तो वहां पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, जैसे और उदाहरण देखते हैं, आ जन्मा, यहां पर जन्म जो है वो क्या है? अव्यय। जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, आ जन्मा मतलब जब से उसने जन्म लिया है तब से लेकर, तो जन्म से लेकर, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जन्म अव्यय हुआ और ये जो समास हो गया वो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऐसी प्रतिदिन जब भी देखेगा, प्रत्येक, प्रतिदिन, दिनों दिन, जब या किसी शब्द को रिपीट किया जाए, जैसे दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, या फिर जिस शब्द के सामने में प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे शब्द रहेंगे तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होंगे, ये आप गैस कर सकते हैं। यहीं से आपको ज्यादातर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अव्ययी भाव समास से, आजकल उसे टफ बनाने के लिए ये कर दिया जाता है। इसे रातों रात, इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए कौन सा समास? द्वंद्व समास। ठीक है, यदि एक बार प्रथम दृष्टया देखें तो ये द्वंद्व समास सा प्रतीत होता है, लेकिन नहीं, ये अव्यय भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। देखते हैं, प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है, हर एक दिन हो रहा है इसलिए दिन दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन हो रहा है इसलिए दिन दिन में इसका विग्रह होगा और ये किस में आएगा? अव्ययी भाव समास में। मैंने कहा प्रथम पद प्रधान होगा, तो प्रति, प्रति जो है प्रत्येक, और दिन, हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है मतलब इसको दिन दिन में तोड़ सकते हैं। ऐसी रातों रात, है ना, हर रात हो रहा है, रात ही रात में, रात रात में, जैसे रातों रात बोले तो उसी रात में, उस पूरे रात में वो प्रक्रिया चलती रही, तो वो रात क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार जो शक्ति है वो अव्यय है। ठीक है, यथा मति, मति के अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं अव्ययी भाव के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास, हमारा दूसरा समास है कर्मधारय समास। इसे देखते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए, कर्मधारय समास में दो चीजें होंगी, एक तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, और एक विशेषण जो विशेष, जो उसकी विशेषता है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो इस समास में जो पहला पद होगा और दूसरा पद होगा वो विशेषण और विशेष्य होगा, पहला कंडीशन, या दूसरा कंडीशन वो उपमेय या उपमान होगा। अभी उपमेय और उपमान क्या होता है, चलो विशेषण और विशेष तो आप समझ गए, लेकिन उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। ये उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, जब भी हम कर्मधारय समास देखेंगे तो उसका पहला पद हो सकता है विशेष्य हो और दूसरा पद विशेषण हो, या पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो, या पहला पद उपमेय हो दूसरा पद उपमान हो, या पहला पद उपमान हो दूसरा पद उपमेय हो। तो इस प्रकार से यदि कोई समास बना हुआ है तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास। देखिए, जो ये कर्मधारय समास है वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है बहुव्रीहि समास से। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ जो शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कमल नयन, ठीक है, कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, वैसे ही आप बहुव्रीहि में जाएं तो वहां पर देखते हैं कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लेकिन जो विग्रह हो रहा है वो तो सेम ही हो रहा है ना। या फिर वहां पर भी देखेंगे तो राजीव लोचन, राजीव है जिसके लोचन है राजीव के समान या कमल के समान, लेकिन बहुव्रीहि और कर्मधारय में बेसिक अंतर क्या है, इसमें कंफ्यूजन होती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे। देखिए, जो बहुव्रीहि समास होता है वहां पर जब आप विग्रह करेंगे तो उसका एक नवीन अर्थ प्रकट होगा, मतलब वो ऐसे शब्द होंगे जो परंपरा में है, जैसे कि दशानंद, दस है आनंद जिसकी, वैसे देखें तो इसमें एक शब्द का प्रयोग हो रहा है दस। यदि कभी भी संख्यावाचक शब्द आएगा तो हम देखते हैं कि वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास, ठीक है, जब भी संख्यावाची शब्द आता है तो वो द्विगु समास होता है। लेकिन दशानंद, दस है आनंद, मतलब दस सिरों वाला, उसका अर्थ क्या निकालते हैं, रावण, क्योंकि हम जानते हैं कि दस आनंद केवल किसके थे, रावण के थे, एक परंपरा चली आई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब भी दशानंद बोला जाएगा तो किसके लिए बोला जाएगा, रावण के लिए। तो इसलिए ये जो शब्द होंगे जिसका एक तीसरा अर्थ प्रकट होगा, मतलब किसी तीसरे की ओर इंगित करेगा, ये बहुव्रीहि समास होता है, जबकि कर्मधारय समास में ऐसा नहीं होता है। कमल नयन इसका सीधा सा मतलब हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई पारंपरिक व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि उसे ही कहा जाता है, ठीक है। कमल नयन किसी को भी कहा जा सकता है, जिसके भी नयन कमल के समान, तो ये कर्मधारय हुआ। और जो द्विगु समास है वहां पर संख्यावाची शब्द होंगे लेकिन उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं होगा, जैसे त्रिभुवन, तीन भवन का समाहार, तीन भवन का समूह, ठीक है, तो ये द्विगु समास हो। हम बात कर रहे थे कर्मधारय समास के बारे में, तो कर्मधारय समास में हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण और विशेष की जो है स्थान होता है, तो पहला पद होगा और दूसरा पद होगा वो इस प्रकार से होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं, पहले हम मैं आपको विशेषण और विशेष का उदाहरण दे देता हूँ और उसके बाद उपमेय और उपमान का उदाहरण दे देता हूँ कि इसे अलग किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, इसमें जो संयोजक शब्द होंगे वो क्या होंगे, है जो, जब विशेषण लगा होगा और विशेष और विशेषण से आप इसे अलग करेंगे तो आप इसमें प्रयोग करेंगे है जो का, है जो, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, अधपका, अधपका जो आधा पका है, ठीक है, तो इसे जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आधा है जो पका, ऐसा पदार्थ जो आधा पका है, आधा है जो पका, वो क्या कहलाएगा, अधपका, ठीक है, आधा है जो पका, ठीक है। पका इसका क्या है, विशेषण, विशेषता बता रहे हैं कि ये कैसा पका हुआ है, आधा, ठीक है। तो इस प्रकार से अधपका ये किसका उदाहरण हो गया, विशेषण और विशेष का, ठीक है। जैसे दुरात्मा, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, बुरी, दुर मतलब बुरी, आत्मा, बुरी है जो आत्मा, वो क्या कहलाएगा, दुरात्मा, ठीक है। जैसे प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, वो क्या कहलाएगा, प्रधान अध्यापक। याद रखिएगा, जब भी विशेषण और विशेष से आप अलग करेंगे इन शब्दों को तो है जो संयोजक शब्द का प्रयोग होगा। अब देखते हैं उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान मैंने बताया आपको तुलना करना होगा, तुलना, जैसे कि कनक लता, ठीक है, कनक लता, कनक के समान लता, ऐसी लता जो कनक के समान है, कनक मतलब सोना, ठीक है, के समान, कनक के समान लता, तो ये क्या कहलाएगा, कनक लता। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ये क्या कहलाएगा, कमल नयन, ठीक है। क्रोध अग्नि, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, जब उपमेय और उपमान को अलग करते हैं तो दो संयोजक शब्द प्रयोग होते हैं, के समान ये पहला और दूसरा रूपी, ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि, आप ये कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कमल नयन में भी मैं कमल रूपी नयन ये कहूं तो गलत नहीं होगा, ठीक है, कमल रूपी नयन, या फिर कमल के समान नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि, ठीक है, जो क्रोध रूपी अग्नि है, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, क्रोधाग्नि। इस प्रकार से ये था कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास, वैसे तो मैंने आपको इसका बता दिया पर फिर भी देख लेते हैं एक बार कि द्विगु समास क्या होते हैं। ऐसे समासिक पद जिसमें पहला पद, समस्त पदों में पहला पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। याद रखिएगा, इसे पहचानने का एक ही तरीका है, संख्यावाचक,
इसका जो पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होगा। यदि किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हुआ तो वो समास जो है द्विगु समास होगा, द्विगु समास की यही पहचान। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी कहलाएगा, ठीक है। चौपाई, चार पंक्तियों का समाहार चौपाई, चार पंक्तियों का समाहार क्या कहलाएगा चौपाई, ठीक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। देख रहे हैं कि इसका जो पहला पद है हमेशा वो क्या है संख्यावाचक, अष्टाध्यायी, पंचसूत्र, ठीक है, चौपाई, त्रिभुवन, दोपहर, दोपहरों का समाहार, ठीक है, दोपहर। तो हम जब भी देख रहे हैं इसका विग्रह कर रहे हैं तो हमें पहला जो पद है वो क्या मिल रहा है संख्यावाचक। तो इस प्रकार से द्विगु समास का जो पहला पद है वो इसकी पहचान कराता है और वो क्या होगा हमेशा संख्यावाचक। इस प्रकार से ये था द्विगु समास। फ्रेंड्स अब देखते हैं द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास में आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो पद होते हैं तो इनमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों की वैल्यू समान होगी, तब वो समास द्वंद्व समास कहलाएगा। उदाहरण से समझिए, आराम से समझ आएगा कि दोनों पद प्रधान कैसे होंगे। जब दोनों पदों का जो वेटेज है वो समान होगा तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। दो पद जब किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, यहाँ पर अन्न भी है और जल भी है और दोनों का समान वेटेज, ठीक है, किसी को आप कम या ज्यादा नहीं कह सकते, इसलिए अन्न जल। तो इसे जब विग्रह करेंगे तो इसमें संयोजक शब्द लगाया जाएगा और, अन्न और जल, ठीक है। इसी प्रकार दूध दही, दूध और दही, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है, माँ बाप, माँ और बाप, देवासुर, देव और असुर, ठीक है, देव और असुर, देवासुर, नाना नानी, नाना और नानी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों पद हैं उनका समान रूप से प्रयोग हो रहा है, किसी एक पद को विशेष नहीं किया जा रहा है, अव्यय नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, या पुराना जो पीछे का पद है उसको विशेषण विशेष नहीं बनाया जा रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दोनों पद है उसका समान वेटेज है, समान है वो। तो इस प्रकार जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, ठीक है, जब दोनों का वेटेज बराबर होगा तभी तो युद्ध होगा, तो ये क्या कहलाएगा द्वंद्व समास, ठीक है, ये था द्वंद्व समास। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। मैंने इसी का आपको कंपेयर करके पहले बताया था कि जो कर्म धारा है और द्विगु समास है वहां पर इसके शब्द कुछ मिलते हैं, इससे मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन द्विगु समास में आप मैंने आपको कंडीशन बता दी कि कैसे होगा और कर्म धारा में बता दिया। देखते हैं बहुव्रीहि समास। जब किसी समास में जिस समासिक पद का प्रयोग किया गया उसका एक नवीन अर्थ निकलता है, एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई जो उस पद में जो समास में प्रयोग पद है शब्द है वो प्रधान नहीं होते बल्कि उससे एक विशेष शब्द निकलता है, तब ऐसे समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास देखते हैं। गजानन, गजानन, गज जैसे आनन वाला, जिसका जो मुख है जो चेहरा है वो गज के समान हो, हाथी के समान हो, तो हमें पता है कि ऐसा कौन है गणेश, ठीक है। तो तीसरे की ओर गया, यहाँ पर ना ही गज की ओर गया ना ही आनंद की ओर गया, उसके मुख की ओर नहीं गया, बात हो रही है गजानन मतलब किसकी, गणेश की, यहाँ पर जबकि गणेश शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला ऐसा कौन है, तो कृष्ण, ठीक है, गिरिधर। चतुरानन, जिसके चार है आनंद या चार मुखों वाला ऐसा कौन है, तो ब्रह्मा, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कि ये तीसरे की ओर इंगित कर रहा है, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनमें से कोई शब्द प्रधान नहीं है बल्कि कोई तीसरा शब्द प्रधान है जो कि इस पद में प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला, तो ऐसा कौन है विष्णु, ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घ बाहु लंबी भुजाओं वाला विष्णु, ठीक है। तो ये था बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से था बहुव्रीहि समास, ये आपके पांच समास हो गए। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जो तत्पुरुष समास है उसके और भी भेद हैं, उसके अंतर्गत कुछ भेद बताए गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। अब हम अपने आखिरी समास को देखते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में।
तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी। तो यदि परिभाषा देखें हम तत्पुरुष समास की, तो हम देखते हैं कि ऐसा समास जिसका उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये जो तत्पुरुष समास है इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा, जिस प्रकार अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था, ठीक है, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान थे, उसी प्रकार जो तत्पुरुष समास है इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। मैंने आपको बताया समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, दोनों को मिलाकर समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के मिलने से समास का निर्माण होता है। तो जब द्वितीय पद प्रधान होगा, द्वितीय पद मेन होगा, आधार होगा, तो उस कंडीशन में उसे तत्पुरुष समास कहा जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं इसका, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पर जो बड़ा है ये द्वितीय पद है, बड़ा से तात्पर्य वो जो खाने वाला बड़ा होता है उसकी बात की गई है कि दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें बाकी जो शब्द है डूबा हुआ, जो द्वितीय पद या उत्तर पद के पहले संयोजक शब्द या विभक्तियों की प्रयोग की जाती है इसका लोप हो जाता है, ये हट जाते हैं। याद रखिएगा जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, तो जब भी समास बनेगा तो जो इसके बीच में विभक्ति चिन्ह या फिर कारकों का प्रयोग किया गया रहेगा, जो भी संयोजक शब्द प्रयोग किए गए रहेंगे उनका लोप हो जाएगा, और ये दही में डूबा हुआ बड़ा केवल क्या रह जाएगा, दही बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास थे। तत्पुरुष समास के कुछ भेद बताए गए हैं, कुछ प्रकार बताए गए हैं। इसे समझने के लिए आपको विभक्ति का पता होना जरूरी है, जिसे हमने कारक में कवर किया हुआ है, कारक विभक्ति, ठीक है, जिसे आपने सुना भी होगा, कर्ता ने कर्म को, करण से, ये जो हम पढ़ते हैं विभक्तियां, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव का भाव पाया जाता है, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ठीक है, ये क्या है आपकी विभक्तियां हैं। इन्हीं विभक्तियों के अनुसार इस तत्पुरुष समास को बांटा जाता है। इसकी शुरुआत की जाती है कर्म तत्पुरुष से, कर्ता नहीं होता है, ठीक है, कर्ता तत्पुरुष यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष से इसका प्रारंभ होता है ये तत्पुरुष। यहाँ पर संबोधन भी नहीं लिया जाता है, संबोधन जो हे अरे रहता है उसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो जो बाकी जो बच गए वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। आपको याद रखिए कि कर्म तत्पुरुष में विभक्ति होती है को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्म तत्पुरुष में। तो जब भी इस तत्पुरुष समास का हम विग्रह करेंगे तो हमें ये को शब्द प्राप्त होगा। इसी उदाहरण से समझिए, जैसे माखन चोर, ठीक है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है माखन चोर, माखन को चुराने वाला को, ये को शब्द का प्रयोग हुआ, माखन को चुराने वाला। और देखते हैं ग्रामगत, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत, यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और जब इसे हम समास में बदलेंगे तो इस को विभक्ति का लोप हो जाएगा, ये हट जाएगा, को विभक्ति हटेगा तो ये वापस माखन चोर बन जाएगा, ग्रामगत बन जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त एक समास शब्द है, जब इसमें को विभक्ति शामिल होगी तब ये स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, को विभक्ति का लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त, ठीक है। इस प्रकार से ये था कर्म तत्पुरुष। अब देखते हैं करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष के लिए जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो है से के द्वारा, से और के द्वारा, दो विभक्तियों का प्रयोग होता है से और के द्वारा। देखते हैं तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा बनाया हुआ, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, जितने भी तत्पुरुष समास हैं यदि उसमें विभक्ति का लोप होता है तो वो समास बन जाते हैं। समास जब विग्रह करेंगे तो इन विभक्तियों का प्रयोग आपको फिर से करना होगा। तो तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, हस्त लिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखित, तो ये क्या होगा, से विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यदि से को हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हस्त लिखित। तो इस प्रकार हस्त से लिखित, हस्त लिखित। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, रेल के द्वारा जो यात्रा की गई है वो क्या कहलाएगा, रेल यात्रा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष, बहुत आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है के लिए, के लिए विभक्ति लगाई जाती है संप्रदान तत्पुरुष। उदाहरण से देखिए, मार्ग व्यय,
मार्ग के लिए व्यय, जब आप कहीं जा रहे हैं उस मार्ग में जो भी खर्चा होने वाला है तो उसे मार्ग व्यय कहा जाता है। तो मार्ग के लिए व्यय के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो मार्ग के लिए व्यय क्या होगा, मार्ग व्यय। इसी प्रकार डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये इसके उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष, इसे पहचानने का तरीका, इसमें के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तभी क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के लिए भी जो विभक्ति चिन्ह है वो से। देखिए यहाँ पे करण तत्पुरुष के लिए भी हमने विभक्ति चिन्ह लगाया था से और के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो से था उसमें अलगाव का भाव नहीं था, जबकि अपादान तत्पुरुष में अलगाव का भाव पाया जाता है। मतलब जो चीज जहां पर से का प्रयोग किया जाएगा अपादान में, वहां से वो चीज अलग होती या हटती हुई प्रतीत होगी। उदाहरण से देखते हैं कैसे। दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन, मतलब जिसके पास दृष्टि नहीं है, अलगाव पाया जा रहा है, जिसके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि से हीन है जो, तो दृष्टि से हीन। वहीं पर जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हस्त लिखित, हस्त से लिखित मतलब हाथ से लिखोगे तो आप, हाथ आपका साथ में है, जिस चीज से लिख रहे हो वो साथ में है, तो यहाँ पर अलगाव का भाव है क्या, नहीं। जबकि हम यहाँ पर देखें दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन मतलब आपके पास दृष्टि नहीं है, दृष्टि से हीन है, जब अलगाव का भाव पाया जाएगा तब अपादान होगा। जब इसमें लगाव का भाव पाया जाएगा मतलब उससे अलग होता हुआ नहीं प्रतीत होगा, तब करण तत्पुरुष होगा। से दो जगह प्रयोग होता है, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। और उदाहरण देखते हैं, गुणहीन, गुण से हीन मतलब किसी में गुण नहीं है, उसमें अलगाव है, गुण नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा, गुणहीन। इसी प्रकार पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो ऐसा व्यक्ति है जो पथ से भ्रष्ट हो चुका है तो वो क्या कहलाएगा, पथ भ्रष्ट। इस प्रकार ये क्या है, अपादान तत्पुरुष, जिसमें विभक्ति चिन्ह होता है से, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा जो दो बचा हुआ है, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो का के की। देखिए जो का के की है ये विभक्ति चिन्ह है, इन्हीं का लोप होगा तब समास बनेगा, जब इन्हें लगाएंगे तब समास विग्रह किया जा सकेगा। उदाहरण से देखते हैं, गंगा तट, गंगा का तट, ठीक है, गंगा का तट, यहाँ पे क विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अमृत धारा, अमृत की धारा, यहाँ पर की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, ठीक है, तो ये क्या है, विभक्ति का के की। इन विभक्तियों का प्रयोग करके ही संबंध बताया जा रहा है कि किससे संबंध है उसका, किसका तट है तो गंगा का तट है, ठीक है, किसकी आज्ञा है तो आज्ञा के अनुसार, के अनुसार, ठीक है। अमृत धारा किसकी धारा है, अमृत की धारा है। इस प्रकार संबंध बताया जा रहा है उन दो शब्दों के बीच, उन दो शब्दों के बीच जो संबंध बताया जा रहा है उसके लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा, संबंध तत्पुरुष। आखिरी देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह लगेगा वो है मे और पर, ठीक है, दो विभक्ति चिन्ह लगते हैं मे और पर। उदाहरण से समझते हैं कि कहां पर मे और कहां पर लगेगा। अश्वरोही, अश्व पर आरोह या अश्व पर सवार बैठा हुआ, जो अश्व पर बैठा होगा, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है, अश्वरोही, अश्वरोही अश्व पर बैठा हुआ। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती बोलते हैं मतलब आप पर बीती हुई जो बात है वो क्या है, आप बीती। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हो रहा है, जो विभक्ति प्रयोग हो रही है वो है पर। इसी प्रकार कला निपुण, कला में निपुण, जो कला में निपुण है उसे कला निपुण कहा जाएगा। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, कार्य में जो कुशल है वो कार्य कुशल कहलाएगा। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, में और पर, और ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तो ये होगा अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार हमने तत्पुरुष के सभी प्रकार देख लिए और ये हमारे समास का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यही था समास, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे अच्छे से तैयार करें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम CGPSC e-gyan। विजिट अवर वेबसाइट visualcard.com टू गेट कम्प्लीट वीडियो सीरीज।